मिसेल्फ डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो है वो थर्ड पेपर पढ़ाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री। और जो थर्ड पेपर का सिलेबस है वो मैं आज आपको दे रहा हूँ और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता रहा हूँ। इसमें जो पूरा सिलेबस है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है। उसमें पहली यूनिट में तो 2 चैप्टर हैं और बाकी जो 4 यूनिट बची हैं उसमें एक एक चैप्टर है। पहली जो यूनिट है उसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट और लिक्विड स्टेट है, और यह गणितीय अवधारणाएं तथा तरल अवस्था है। और दूसरी जो यूनिट है उसमें गैसीय स्टेट या गैसीय अवस्था है, जिसके अलग अलग पार्ट हैं, मुख्य रूप से गैस अवस्था है। और तीसरी यूनिट है वह है सॉलिड स्टेट है, और चौथी यूनिट जो है वह कोलाइडल स्टेट है, और पांचवी यूनिट जो है वो केमिकल काइनेटिक्स की है। तो आप जानते होंगे तरल अवस्था, गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था, कोलाइडी अवस्था और रासायनिक बल गति की, ये 5 यूनिट मुख्य रूप से। और इसके साथ मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है, गणितीय अवधारणाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये 5 यूनिट जो हैं वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड के सिलेबस में हैं। तो पेपर जो, इसके बाद मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताता हूँ कि क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होती है। देखिए, टोटल जो मार्क्स होता है या कुल जो मार्क्स होते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री के, वो 150 मार्क्स का होता है। कितने का? 150 मार्क्स का, समझ में आई? उसमें 100 तो जो होते हैं वो थ्योरी के होते हैं और 50 होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। 100 और जो टोटल पेपर होते हैं केमिस्ट्री के वो 4 पेपर होते हैं, जिसमें 3 थ्योरी के पेपर होते हैं यानी कि सैद्धांतिक होते हैं, और 1 प्रैक्टिकल पेपर होता है यानी प्रायोगिक होता है। तो 3 जो होते हैं यहाँ पर पेपर जो होते हैं वो अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, ऐसे 3 पेपर होते हैं। अकार्बनिक रसायन 33 नंबर का होता है, कार्बनिक रसायन जो है वह भी 33 नंबर का होता है, और जो भौतिक रसायन है वो 34 नंबर का होता है। ऐसे 100 नंबर का ये हो गया। और चौथा जो पेपर है वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का होता है या प्रायोगिक रसायन का होता है, वो 50 नंबर का होता है। तो 100 और 50 मिलकर 150 नंबर हो जाएंगे। अब देखिए, जो पेपर आता है वो उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें से प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी जो पहली यूनिट है वो 2 चैप्टर में बटी हुई थी, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है और एक लिक्विड स्टेट का आता है। बाकी जो है दूसरी यूनिट है वह गैसीय स्टेट है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। तीसरी सॉलिड स्टेट है, उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। और चौथी जो है वह कोलाइडल स्टेट है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। और पांचवी केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे जो है वो 2-2 क्वेश्चन करके 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल जो अटैम्प्ट करने होते हैं वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 5 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो आपके पास ऐसे कोई चॉइस नहीं है कि आप कोई पूरी की पूरी यूनिट छोड़ दें, आपको एटलीस्ट हर यूनिट आपको पढ़नी ही पड़ेगी और पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। तो 5 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से 1-1 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस की बात करें, हमारे पर्टिकुलर उसकी बात करें कि हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, जो हर क्वेश्चन मुख्य रूप से वैसे तो 6-6 नंबर का होता है, 1 क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। तो वो कई बार तो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का 7 नंबर का कर देते हैं, और कई बार जो है वह जो है जो पहली यूनिट है उसका 7 नंबर का कर देते हैं। तो 7 × 6 = 24 और 7 कितने हो गए? 31 हो गए। 31 फिर कितने बच गए? 3 नंबर। तो फिर 3 नंबर को क्या है, डेढ़ आधे आधे में बांट देते हैं। तो नॉर्मली 6.5 का क्वेश्चन आता है और 1 7 का हो जाता है। इसका डिवीजन जो है वो कैसे भी हो सकता है, 6 से लेकर 7 के बीच में डिवीजन किया जाता है हर क्वेश्चन का। इस प्रकार से टोटल जो होता है वैसे जो होता है 7 × 35 होता है,
तो एक क्वेश्चन का 6 नंबर का दे देते हैं, बाकी 4 7 नंबर का, मतलब कैसे भी हो सकता है, पर 6 और 7 ऐसा नहीं है पर कि एक क्वेश्चन तो 8 का दे दिया और एक क्वेश्चन 5 का दे दिया, 6 और 7 के बीच में जो है उनकी मार्किंग होती है, और वैसे टोटल जो है वो है 34 नंबर का हमारा पेपर होता है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, सिलेबस मैंने आपको दिया है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो आपको दिख रहा होगा। पहली यूनिट जो है मैथमेटिकल कंसेप्ट की है, लिक्विड स्टेट की है, गैसेस स्टेट की है, क्रिटिकल फिनोमिना है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज है, सॉलिड स्टेट है, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। फिर फोर्थ यूनिट जो है वो कोलाइडल स्टेट है, सॉलिड स्टेट इन लिक्विड्स मतलब सॉल्ट्स है, फिर जेल्स है लिक्विड इन सॉलिड्स, फिर लिक्विड इन लिक्विड्स है, इमल्सन्स हैं, इस प्रकार से ये है। और पांचवी जो यूनिट है वो केमिकल काइनेटिक्स की है। अब देखिए आपकी जो है वो मेरे हिसाब से सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है, कुछ लिक्विड स्टेट का भी पढ़ा हुआ होगा और केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ी होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत कोलाइडल स्टेट भी आपका पढ़ा हुआ हो, तो लगभग लगभग आपका थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें से फर्स्ट यूनिट से अपन स्टार्ट करेंगे और उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए। सिलेबस जो होता है वो 5 यूनिट में बता होता है, क्वेश्चंस जो है वो 10 आते हैं, उसमें से हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो है हर यूनिट से करना है। 34 नंबर का हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आप सिलेबस और लास्ट पिछले 5 साल के जो पेपर आए हुए हैं उनको आपको ले लेना है, ये स्ट्रेटर्जी है। मैं आपको ये अनसोल्ड पेपर्स, मार्केट में सोल्ड पेपर आते हैं उनको नहीं लेना है, अनसोल्ड, जिससे आपको आइडिया रहे कि किस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन आता है और कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद। ये मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आगे अपन इसके बारे में बात करें।